गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, दैट इज व्हाट इज योर वाटर फुटप्रिंट. एंड इन दिस लेसन फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू वर्ड मीनिंग्स. एज यू कैन सी आई हैव रिटन वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड मीनिंग्स विल फाइंड आउट फ्रॉम द बुक. सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 21. यू कैन ओपन पेज नंबर 21 एंड यू कैन सी इन द बुक. नाउ सो द फर्स्ट वर्ड इज कंटेमिनेटेड. Made dirty or impure by addition of a substance that is dangerous. It means polluted. इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज गंदा कर देना. Second, corporate. Of or belonging to a corporation, a business firm. यानी कि जो business वाली कंपनियां होती हैं, firms होती हैं, उनको हम बोलते हैं corporate. Disclosure, information or fact that is made known or public that was previously secret. Disclosure मतलब कोई भी information या fact होता है उसको public के सामने ला देना, उसका खुलासा कर देना जो कि पहले secret रखा हुआ होता है, यानी कि पहले किसी को नहीं बताया हुआ होता है. Reveal कर देना, to reveal. Imperative, very important and needing immediate attention or action. यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होना, जिसको तुरंत अटेंशन की जरूरत होती है और उस पे काम करने की जरूरत होती है. इसको हम कह सकते हैं essential. Judicious, careful and sensible. Judicious का मतलब है बहुत ही ध्यानपूर्वक और sensible यानी कि हम कह सकते हैं न्यायोचित, यानी कि जो न्यायोचित हो. रीजनेबल, वी कैन ऑल्सो से रीजनेबल. मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि सामान बहुत बड़ी मात्रा में बनाना, उत्पादन करना. नॉर्म्स, रिक्वायर्ड और अग्रीड स्टैंडर्ड्स अमाउंट एक्सेट्रा. नॉर्म्स ऐसे रूल्स होते हैं या कह सकते हैं अ बेसिस फॉर कंपेरिजन, किसी चीजों की तुलना करने के लिए जो एक बेस होता है. नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स, substances that pollute something, especially air and water. ऐसी चीजें जो पोल्यूट करे, गंदा करे, especially air and water. यानी कि हवा और पानी में जो गंदगी substances के कारण फैलता है. Prescribed, a plan or a suggestion for making something happen or for improving it. Prescribed का मतलब है ऐसा प्लान या फिर सजेशन, सलाह देना, ताकि किसी चीज को हम, कोई भी चीज हो सके या फिर कुछ उसको इम्प्रूव कर सके, उसमें सुधार ला सके. प्रोसीजरल, ऑफिशियल और फॉर्मल. प्रोसीजरल ऑफिशियल या फॉर्मल होता है, यानी कि जो भी चीजें होती हैं वो रिटन फॉर्म में होती है अथॉरिटी द्वारा. प्रोन, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और डूइंग समथिंग बैड. प्रोन का मतलब है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी भी चीज से सफर करना और डूइंग समथिंग बैड, या फिर कुछ भी गंदा करके उससे सफर करना, यानी कि झेलना. जैसे कुछ बुरे काम किया है तो उसका बुरा परिणाम होगा, तो उसकी वजह से हम झेलते हैं. सस्टेनेबल, केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, योग्य होना किसी भी चीज को बचाकर रखना. टॉपिकल, कनेक्टेड विथ समथिंग दैट इज हैपनिंग, किसी भी चीज से जुड़े रहना जो कि होता है. नेक्स्ट इज वाटर स्केसिटी, नॉट इनफ ऑफ वाटर एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी ना होना और जो कि मिलने में बहुत ही मुश्किल हो. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ लेसन नंबर 3.